हेलो गाइस, आज हम यहाँ पर वीडियो जो शूट करने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव आपको पहले क्लियर करवा दूँ। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो वन मैन आर्मी है, अकेले से ही सारा काम करते हैं और अपने बिजनेस को चलाने वाले वो खुद ही है। उनकी सिचुएशन आज ऐसी है कि वो खुद काम करेंगे तभी वो ग्रो हो पाएंगे। अगर वो आगे से कोई भी चीज़ को अगर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको चैलेंजेस आएगी। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको LDPQ करना ज़रूरी है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है और उस प्रोग्राम को करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक केस स्टडी के साथ हम चलेंगे और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हम चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया। हाँ जी, तो सर एक प्रॉब्लम लेके आया था, उसका सलूशन चाहिए था आपसे। बताइए। कि मैं अपना बिजनेस के बारे में पहले बता देता हूँ। मेरा साड़ियों का होलसेल का बिजनेस है, जो कि हरदा में मेरी एक शॉप है और एक खंडवा में। ओके। और मैं मटेरियल लेके आता हूँ गुजरात के सूरत शहर से। ओके। तो मुझे ना अभी अपना बिजनेस को बढ़ाना है, तो अभी मेरे टीम में जो है सिर्फ 4 से 5 बंदे हैं। तो मैं कैसे अपने 2 हब को 3 से 4 हब कर सकता हूँ और पैन इंडिया में मेरे को सेल करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? ओके सर, आज से पहले कभी आपने ट्रेनिंग वगैरह कुछ लिया है? नहीं सर, कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया। ओके तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके अलग अलग स्टेज होते हैं। जैसे कि आज से 5 साल पहले जब आपने बिजनेस शुरू किया था, तो उस टाइम पर आपका जो एक पीरियड था ना, जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप पीरियड, जैसे हर कोई बिजनेस जो है वो स्टार्टअप पीरियड के अंदर शुरू होता है। कुछ टाइम तक जब बिजनेस आपका बहुत बेहतर तरीके से आगे ग्रो होता जाता है, तो उसका सेकंड स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ पीरियड, जहाँ पर आप अपने बिजनेस का एक्सपांशन कर चुके होते हैं, एक अच्छा इनकम आपको होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद एक पीरियड जब आपके बिजनेस का आता है जिसको हम कहेंगे मैच्योरिटी। और उस मैच्योरिटी पीरियड के अंदर होता यह है कि कितना भी हाथ पैर हम मार ले, एक लेवल पर आकर हम स्टक हो जाते हैं और उसके बाद आगे जो ग्रो होना में होता है वो हम हो नहीं पाते। और वही सिचुएशन जब हमारी कंटिन्यूस रहती है तो बिजनेस जो है ना वो धीरे धीरे डाउन चला जाता है। और ये डाउनफॉल होने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि हम अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाते, हम हमारे काम करने की जो सिस्टम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाते। आज आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हो प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो उसी तरीके से हम जब काम करते हैं तो हमारे काम करने का जो तौर तरीका होता है उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन अधिकतर लोग 21वीं सदी में काम करते हैं, माइंडसेट उनका होता है 20वीं सदी वाला। और आज आपको जो चैलेंजेस आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपने अपना गल्ला जो है ना वो छोड़ा नहीं। हाँ सर, क्योंकि सारे काम अभी आप खुद कर रहे हो और आप देख सकते हो आपके फोन के ऊपर कितने मिस कॉल अभी तक आ गए होंगे, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब लोग आपसे ही कनेक्टेड है। आपके लोग जब उनको प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि सेट को बुलाइए और उनके साथ ही हम कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन में आने के लिए और ये सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमारा माइंडसेट। और हमारा माइंडसेट जो हमें ट्रांसफॉर्म करना है वो किस तरीके से करना है उसकी एक क्लियरिटी आपको दे दूं। बिल्कुल। कि आप जिस बिजनेस को भी रन कर रहे हो और उस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने सेल्स को बूस्ट अगर करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एज अ लीडर आपका कंपनी के अंदर क्या रोल होना चाहिए। क्योंकि जब हमने धंधा शुरू किया था सारा काम आप खुद कर रहे थे, आज आपकी टीम में काम करने वाले 4 से 5 लोग हैं, उनको संभालने के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन इसके आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस को समझने के लिए हम एक बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उन सभी लोगों के लिए हम करते हैं जो अपने एक छोटे से बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं लेकिन अभी कंफ्यूज है कि शुरू कहाँ से करें और उसको आगे कैसे लाएं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस बिजनेस को चला रहे हो वहां पर एज अ लीडर आपका रोल क्या होना चाहिए। क्योंकि एज अ बॉस जब आप काम करते हो तो होता यह है आप लोगों को बोलते हो और लोग काम करते जाते हैं।
लेकिन आपको अपनी खुद की क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। और एज अ लीडर जब आप काम करते हो तो आप पूरी टीम को लेकर चलते हो और पूरी टीम के साथ आप आगे जाते हो। हाँ जी, तो उसमें आपको अपना रोल क्लियर होता है और आपके टीम मेंबर का रोल क्लियर होता है। अभी क्या है, हर एक बंदे का कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है ही नहीं। सेकंड पार्ट के अंदर हम जो आपको क्लियर करते हैं वो होता है टीम मैनेजमेंट। ये टीम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि आज आपकी टीम में 5 लोग काम करने वाले हैं, क्या इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्लियर किया हुआ है? नहीं सर, अभी नहीं किया। नहीं किया, तो आज अगर किसी को 10,000 की सैलरी आप दे रहे हो, 15,000 की सैलरी दे रहे हो और 20,000 की सैलरी दे रहे हो, ये सब लोग सुबह उठकर कचरा निकालने का काम करते हैं, झाड़ू मारने का काम करते हैं, तो क्या लगता है आज 10,000 वाला बंदा भी वही कर रहा है, 20,000 वाला भी वही करना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। जो जिसकी वैल्यू होती है उसके हिसाब से उनको काम देना होता है। तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या आती है कि आज अगर आपको किसी एक पर्सन को हायर करना हो जो आपको रिप्लेस करे और आपकी जगह के ऊपर वो काम करे, और जितना काम आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो वो सारा काम करके अगर आपको दे, तो एज अ मैनेजर किसी बंदे को आप हायर करोगे तो उसको क्या तनख्वाह आप दोगे? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000? 40 अबव, 40 से लेके 50,000 तक। गलत मत लगाना, आज आप अपना धंधा जो रन कर रहे हो ना उसमें आपकी खुद की वैल्यू वही है। आज आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है वो 5 करोड़ तक जाए, आज आप चाहते हो आपका बिजनेस जो है वो 10 करोड़ तक जाए, तो अभी आपको वो 10 करोड़ तक पहुंचाने के लिए जो करना चाहिए वो वाले काम अभी आप नहीं कर रहे हो। एज अ बिजनेसमैन सर, आपको जो काम करने होते हो खाली 5 होते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ये धंधे के डेवलपमेंट के काम है। दूसरा काम होता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, क्योंकि आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो तो उसका मार्केटिंग डिजिटल भी होना चाहिए और फिजिकल भी होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी बिल्ड करना वो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड काम आपके लिए जो करना जरूरी होता है वो होता है CRM, क्योंकि हर साल नए कस्टमर आपके साथ जुड़ते हैं, पुराने छोड़कर चले जाते हैं। तो जब तक आप CRM एक्टिविटी करेंगे नहीं, तब तक आपके कस्टमर जो है वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। चौथा काम जो आपको करना जरूरी होता है, नए नए सेल्स की स्ट्रेटजी बिल्ड करना, जिससे अपना सेल्स जो है वो आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। और पांचवा और आखिरी काम आपको जो करना रहता है कि सिस्टम और मैनेजमेंट को बिल्ड करना, और उसके लिए अच्छे लोगों को अपॉइंट करना कि जो आपको सिस्टम और मैनेजमेंट बिल्ड करके दे। तो ये 5 काम जो है ना वो धंधे को ग्रो करने के काम है, और इसके अलावा सेटल खोलने से लेके जितने भी काम आज आप कर रहे हो वो सारे काम रूटीन के काम है। आज गलत मत लगाना सर, आप अपने बिजनेस के ओनर नहीं हो, आप अपने बिजनेस के मैनेजर हो। तो आज जो काम आप कर रहे हो ना वो एक मैनेजर का काम है, और वही काम आपने बोला 40 या 50,000 देकर आप किसी से करवा सकते हो। लेकिन सवाल ये होता है कि 40 से 50,000 रुपया देने के बाद उससे क्या काम लेना और किस तरीके से लेना, ये हमें नहीं आता है। सही है कि गलत है? सही है सर, बराबर। और जब ये चीज हम नहीं कर पाते हैं तब इसका मतलब ये होता है कि टीम मैनेजमेंट करना ये हमें नहीं आता है। लोगों को रिक्रूट कैसे करना है, लोगों को काम पर कैसे लगाना है, लोगों के पास से काम कैसे लेना है, लोगों को लंबा समय अपने साथ टिकाना कैसे है, लोगों को प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से देना है, और जो काम का बंदा नहीं है उसको निकालना कैसा है, ये एक पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं टीम मैनेजमेंट। ये जब आप LDP करते हो तो सेकंड सेशन में ये डीपली हम आपको सिखाते हैं। और थर्ड पार्ट हो गया ऑल ओवर बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी धंधा अगर आप ले लो तो उसके 6 पिलर होते हैं। आज आपका जो बिजनेस है साड़ियों का, और उसको अगर आपको ग्रो करना है तो सिंपल है, उसके लिए भी उसके 6 पिलर्स है। और ये 6 पिलर में से सबसे पहला प्लेयर है प्लानिंग। सर आज से पहले कितनी बार कितना टाइम आपने प्लानिंग के लिए निकाला होगा? नहीं निकाला सर। क्या अभी कभी हम APM करते हैं? नहीं सर। APM क्या होता है आपको पता है? नो। APM का मतलब होता है सर एन्यूअल प्लान मीट। अच्छा।
कि जब मार्च एंडिंग होता है लोग कच्चे पक्के का वहीवट करने के लिए लग जाते हैं, लोग अपने अकाउंट्स क्लियर करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन जो कंपनियां अच्छे लेवल पर काम करती है वो पूरे साल का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है 3 दिन का, और उस प्रोग्राम के अंदर वो लोग पूरे साल का डेटा एनालिसिस करते हैं। डे वन उनकी एक्टिविटी होती है कि पूरे साल में क्या रहा उस डेटा का एनालिसिस करेंगे। सेकेंड डे एक्टिविटी उनकी होती है कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बेहतरीन ढंग से वो आगे बढ़े, उन सब लोगों को अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाता है। और तीसरा दिन होता है फुल्ली एंजॉयमेंट करना और नए साल का टारगेट देना। तो ये प्रोसेस जब हम बिल्ड करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तब हमारी कंपनी के अंदर वो डेवलपमेंट होता है। प्लानिंग करने के बाद दूसरा स्टेप जो लेना जरूरी है, लीगली प्रोसेस करना। आज आपकी कंपनी क्या लोगो बना हुआ है? नहीं सर, लोगो नहीं बना है। नहीं बना हुआ। तो अगर आपकी कंपनी का लोगो बना हुआ नहीं है तो आप सोचिए कि आज कल उठकर अगर आप बड़ा बिजनेस करने के लिए जाएंगे, सेम लोगो से अगर कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लीगली प्रोसेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आता है सेल्स, क्योंकि हर बिजनेस का जो मेन चीज होता है वो होता है सेल्स। तो क्या सेल्स का फनल आपने बनाया हुआ है कि स्टेप वन से लेकर स्टेप 10 तक पूरी प्रोसेस क्या रहेगी? तो वो प्रोसेस को कैसे बिल्ड करना, उसके ऊपर हम काम करते हैं। क्या अभी तक हमने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के पीछे कभी फोकस किया हुआ है? नहीं सर, अभी तक। और मार्केटिंग और ब्रांडिंग में जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम ये रहेगी, हम भीड़ का हिस्सा रहेंगे। काम जो कर रहा है, लोग जो कर रहे हैं, वही काम हम करते रहेंगे, और इसके कारण प्राइस में सबसे ज्यादा चैलेंजेस हमें आएगी। लोग टाइम पर आपको पेमेंट नहीं करेगा, तो आपको अपनी ब्रांड बनानी होगी, ठीक है? और ये ब्रांड जब आप बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है सिस्टम और मैनेजमेंट को सेटअप करना, कि आप अपने धंधे में जाए या ना जाए, आप अपने धंधे में हो या ना हो, आपके बगैर आपका धंधा चलना चाहिए। और ये चीज जब आप सेट कर लेते हैं और ये चीज जब आप डेवलप कर लेते हैं, तब जाकर आप अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पाए। जो मैनेजमेंट शब्द है उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करना चाहूंगा, और जो सिस्टम जो शब्द है उसके डेफिनेशन आपको क्लियर करना चाहूंगा। बराबर। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ टाइम मनी एंड एफर्ट। तो सिस्टम आने से आप अपने आप को बचा सकते हो, अपने पैसे को बचा सकते हो, अपने समय को बचा सकते हो और अपनी एनर्जी को बचा सकते हो। और ये सारी चीजों को बचाने के लिए सिस्टम बनाई जाती है। और मैनेजमेंट शब्द की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट होता है कंपनी में। उस कंपनी में मैनेजमेंट लाने के लिए मैनेजमेंट में से अगर टी निकाल दो तो नीचे आएगा मैनेजमेंट। आपको सीखना पड़ेगा लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, टीम को कैसे मैनेज किया जाता है। और मैनेजमेंट में से अगर एन निकाला जाए तो नीचे आएगा मैनेज मी, मतलब अपने आप को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि जब तक आप खुद मैनेज नहीं होगे, जब तक आप अपना शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आप टीम को मैनेज नहीं कर सकते। और आप और अपनी टीम अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपकी कंपनी जो है वो कभी मैनेज नहीं होने वाली। तो ये सारी चीजों को अगर आप सीखना चाहते हो और ये सारी चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो हमारे 3 दिन का बेहतरीन वर्कशॉप होता है जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यही लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम ऑनलाइन भी करते हैं, हम ऑफलाइन भी करते हैं। तो राजकोट के अंदर जितने भी लोग हैं जो आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, और गुजरात के अंदर जितने भी लोग हैं जो आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हम लेकर आ रहे हैं इसी महीने के अंदर। और इस महीने की 26 तारीख को हम लेकर आ रहे हैं राजकोट के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 4 दिन का हमारा वर्कशॉप होगा, जिसके अंदर सुबह से लेकर दोपहर तक हम आपके साथ आपके पूरे बिजनेस को डेवलप करने की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे। और जो लोग गुजरात के बाहर के हैं, ऑल ओवर इंडिया के हैं, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द ऑनलाइन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आप लाइव जुड़ सकते हो, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हमने अवेलेबल किए हुए हैं, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए भी आप लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका लर्निंग ले सकते हो।
तो अगर आज आप जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन प्रोग्राम के अंदर, तो बहुत लिमिटेड सीट बची हुई है, आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ऑनलाइन के अंदर भी हम सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और हमारी एक एप्लीकेशन है गुरुकुल बिजनेस स्कूल, उस एप्लीकेशन के जरिए भी आप ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सीख सकते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। तब जाकर आप अपने बिजनेस को, अपने आप को और अपनी टीम को बेहतरीन ढंग से डेवलप कर पाएंगे, और आप अपने बिजनेस को और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो क्या अगर आप तैयार है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आज ही आपको फोन करना है। नीचे दिए गया जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है, जहां पर हमारे टेलीकॉलर और हमारे एक्सपर्ट लोग जो होंगे वो आपको कॉल करके एक मीटिंग आपकी लेंगे और आपके पूरे बिजनेस का एनालिसिस करके फिर आपको सॉल्यूशन देकर बताएंगे कि आपके बिजनेस को बेहतर करने के लिए और क्या क्या चीज़ों की करने की आपको आवश्यकता है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस है, तो हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी आने वाले टाइम में फॉर्च्यून 500 के अंदर जाए, और 500 करोड़ की कंपनी आपकी कंपनी को बताना, इसकी जिम्मेदारी गुरुकुल ने ली है। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो चलिए साथ में मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बनाने का और एक बेहतर इंडिया को बनाने का साहस जो है वो हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।